हेलो दोस्तों, तो अगर आपका भी ब्लूटूथ स्पीकर का अगर चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो गया है या अगर आपका ब्लूटूथ स्पीकर चार्जिंग नहीं होता होगा तो दोस्तों आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम चार्जिंग सॉकेट को जो है किस तरीके से हम रिपेयर करने वाले हैं ये आगे जानने वाले, जो कि दोस्तों हम काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं, वो भी काफ़ी कम खर्चा में। वो जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल यहाँ पर जो है इसको सिर्फ 5 रुपये में इसको रिपेयर कर बताने वाले आगे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो हमें इसे ओपन करना होगा, तो इसके लिए जो ऊपर वाला यहाँ पर हमको रबर वाला पार्ट दिख रहा है तो उसको अलग करना है, और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर जो आगे की साइड पर दो स्क्रू हमको दिख रहे हैं उसको हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है और सेम इसी तरीके से ठीक देख सकते हैं यहाँ पर भी एक इसका एक स्क्रू लगा हुआ है। तो इन चारों स्क्रू को जो है दोस्तों यहाँ पर हमें अलग कर लेना है, तभी ये ऊपर वाला पार्ट जो है ओपन हो जाएगा। मेरे पास जो है दोस्तों ये स्पीकर रिपेयर के लिए आया हुआ है, लेकिन जो जिस शख्स का ये ब्लूटूथ स्पीकर था उसने यहाँ पर जो इसको तोड़कर निकाला हुआ है, जिसकी वजह से देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसके 4 स्क्रू के जो नीचे वाले पार्ट हैं यहाँ पर टूट कर यहाँ पर अंदर यहाँ पर इस तरीके से फंस गए हैं। तो दोस्तों आपको जो है इस प्रकार से 4 स्क्रू निकाल लेना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी का यहाँ पर कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर स्पीकर का एक यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है, इसको भी हम निकाल लेंगे। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमको यहाँ पर इसका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है इसका चार्जिंग सॉकेट जो है यहाँ पर फंस चुका है। तो दोस्तों ये जो है चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर टूट कर अलग हो चुका है देख सकते हैं। तो इसके नीचे वाले जो यहाँ पर कनेक्शंस है वो भी यहाँ पर टूट गए हैं। तो दोस्तों हमको सबसे पहले जो है यहाँ पर 2 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पर निकाल लेंगे स्क्रू को। और इसके बाद जो यहाँ पर जो बोर्ड निकलेगा तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इसका चार्जिंग वाला जो यहाँ पर हमको सॉकेट जहाँ पर लगा हुआ था यहाँ पर कुछ इस तरीके से 5 यहाँ पर हमको कनेक्शंस दिख रहे हैं। तो उसके यहाँ पर जो 2 कॉर्नर वाले जो कनेक्शंस है दोस्तों इसको हम यूज़ में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इस वाला साइड का जो कनेक्शन है ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका माइनस कनेक्शन होता है। और ये वाला जो ट्रैक का कनेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर डायोड के साथ में कनेक्ट है, यानी कि इसका जो पॉजिटिव जो यहाँ कनेक्शन है यहाँ पर इसको होगा। तो दोस्तों ये वाला जो चार्जिंग सॉकेट है दोस्तों ये जो मार्केट में जो है हमको मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पर लगाने के लिए काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है, जो कि इजीली जो है यहाँ पर ये नहीं बैठ जाता है। इसके लिए हमको जो है काफ़ी सारे अच्छे स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम एक जुगाड़ का यूज़ करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको 5 रुपये में आसानी से ये वाला जो है चार्जिंग सॉकेट हमको मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ईजिली अवेलेबल भी हो जाता है। तो दोस्तों हम इसको यूज़ में लाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर इसको यहाँ पर 2 तार हमको दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको प्लस माइनस यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो काफ़ी बार जो है दोस्तों यहाँ पर इसके जो लेग्स हैं वो छोटे बड़े आ जाते हैं, यानी कि दोस्तों जिसका छोटा लेग्स होता है तो वो माइनस होता है और प्लस वाला बड़ा होता है, लेकिन कई बार जो है सेम में भी आ जाता है तो हमें यहाँ पर जो है इसका प्लस माइनस का पता नहीं चल जाता है। तो सिंपल जो है हम यहाँ पर मोबाइल चार्जर के साथ में इसको कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद मल्टीमीटर से हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी ये प्लस 5 वोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो ब्लैक वाला साइड यहाँ पर जो लगा हुआ है तो ये वाला माइनस साइड है। तो सिंपल जो है हम यहाँ पर इस तरीके से इसको कुछ मार्किंग कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा ये वाला साइड जो है माइनस साइड है, तो हमें कनेक्शन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है, और इसके बाद अभी हम इस सॉकेट को अभी निकाल लेते हैं। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर बोर्ड निकाला हुआ था इसको हम फिर से यहाँ पर लगा लेंगे और स्क्रू से इसको हम अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका होल है इसमें ये मैच नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर जो है सिंपल एक सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर होल कर लेंगे। तो दोस्तों होल करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ज़्यादा अगर हम बड़ा करेंगे तो सॉकेट लूज़ हो जाएगा और ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो पीछे वाले पार्ट ख़राब हो जाएंगे। और इसके बाद हम इस तरीके से चार्जिंग सॉकेट को अंदर की तरफ प्रेस कर लेंगे, और इसके बाद इसके जो 2 पॉइंट्स हमको निकले हुए थे यानी 2 तार जो निकले हुए थे कुछ इस प्रकार से, जो हमने स्टार्टिंग में जो देखा था
तो इसका पॉजिटिव वाला साइड जो है डायोड की तरफ हम इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे, और इसका जो नेगेटिव वाला जो हमने मार्किंग किया हुआ साइड था उसको हम यहाँ पर जो यूएसबी सॉकेट है उसका जो मेटल वाला पार्ट है तो वहाँ पर हम इस तरीके से इसको रख लेंगे और यहाँ पर इसको हम सॉल्डर कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने जो इसको अभी सॉल्डर कर लिया है, और इसके बाद अभी अब हम मोबाइल चार्जर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है रेड लाइट जल चुकी है, यानी कि दोस्तों हमारा जो चार्जिंग सॉकेट है अभी प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी सिंपल ट्रिक थी, तो इसको हम यूज़ में ला सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमने जिस तरीके से यहाँ पर इसको कनेक्शंस निकाले हुए थे बैटरी के सॉकेट में, हम इसको यहाँ पर बैटरी का कनेक्टर लगा लेंगे, और स्पीकर के सॉकेट में यहाँ पर हम स्पीकर का कनेक्टर लगा लेंगे, और इसके बाद इस तरीके से इसको रख लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया हुआ था चार स्क्रू यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, और इसके बाद जो ऊपर वाला ये रबर वाला जो पार्ट था दोस्तों उसको हम इस वाले होल के साथ में सबसे पहले मैच कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से प्रेस कर कर इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर चिपका लेंगे। तो दोस्तों स्पीकर जो अभी हमारा बनकर रेडी हो चुका है, अभी हम फिर से एक बार जो है मोबाइल चार्जर से इसको कनेक्ट कर लेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे हमने अभी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर रेड लाइट जो है जल चुकी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से ये चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है घर पे काफ़ी आसानी से इसको समझाने का प्रोसेस जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप भी इसको ट्रिक को घर में यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय गुड बाय।